हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मी एंड माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं बालूशाही। बालूशाही खाने में जितनी टेस्टी होती है, बनाने में उतनी ही इजी। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। घी को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम अपने हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा मिक्सचर एक क्रम्बल टेक्सचर में आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही और दही को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको हमें मसल मसल के चिकना नहीं करना है, इसको बस हमें कंबाइंड करना है। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा मिक्सचर कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप वाटर और वाटर को हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। अब हमारा मिक्सचर कंबाइंड हो गया है और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट करता है, हम बालूशाही के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। इसके लिए हम 2 कप शुगर लेंगे, 1 कप वाटर और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अब साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर और 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट बाद ये हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और इसको चेक करने के लिए हम एक प्याले में 2 से 3 बूंदें शुगर सिरप की लेंगे तो वो एक तार बन जाएगा। अब हमारी शुगर सिरप बनके तैयार है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमारा डो बनके तैयार है। हम इससे छोटी छोटी बोल के साइज की लोइया बना के तैयार कर लेंगे और उसके बीच में फिंगर से थोड़ा होल कर देंगे। ऐसे हम अपनी सारी लोइया तैयार करेंगे। अब मैंने सारी लोइया बना ली है और इनको फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम गरम तेल लिया है। अब हम एक एक करके सारी लोइया इसमें डाल देंगे। हमारी बालूशाही को ऊपर आने में 1 मिनट लगेगी और उसके बाद फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। हमारी सारी बालूशाही ऊपर आ गई है। 8 से 10 मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इन्हें पलट के दूसरी साइड से भी 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हमारी बालूशाही अच्छे से फ्राई हो गई है। हम एक पेपर टॉवल पे इसको निकाल लेते हैं। और इनको गरम गरम ही हम अपनी चॉकलेट अपनी शुगर सिरप में डिप कर देंगे। और हम इनको दोनों साइड से डिप करते हुए 5 से 6 मिनट तक के लिए शुगर सिरप में रखेंगे। अब हम इनको गरम गरम ही अपनी शुगर सिरप में 5 से 6 मिनट दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से सोक कर लेंगे।
और 5 से 6 मिनट बाद हम इनको निकाल के सर्व कर लेंगे। 5 मिनट बाद बालूशाही को शुगर सिरप से मैंने प्लेट पे निकाल लिया और पिस्ताचू से गार्निश कर दिया। आप अपने किसी भी फेवरेट ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।